please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी हरियाणा में अपनी तीसरी फैक्ट्री लगाएगी। नई फैक्ट्री के लिए जमीन के सिलसिले में हरियाणा सरकार और मारुति सुजुकी के अफसरों की एक बैठक भी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक हरियाणा सरकार मारुति सुजुकी को नई फैक्ट्री के लिए 1400 एकड़ जमीन आवंटित कर सकती है। ये जमीन हरियाणा में सोना के इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में है, जहां राज्य सरकार 1700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है। 1700 एकड़ की जमीन पर पहले PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी के तहत टाउनशिप बनाने की योजना थी। हरियाणा में पहले से ही मारुति की दो फैक्ट्रियां हैं जहां गाड़ियां बनाई जा रही हैं। इनमें एक फैक्ट्री गुरुग्राम में है जो 300 एकड़ इलाके में बनी है, जबकि दूसरी मानेसर में है जो 600 एकड़ में फैली है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर एक अहम बैठक की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर एक अहम बैठक की, जिसमें सीमा पर चौकसी बढ़ाने समेत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुंबई और आसपास के इलाकों में चलने वाली कुछ लोकल ट्रेनों में जगह न मिलने के विरोध में बुधवार को होने वाले MNS के आंदोलन से पहले रेलवे पुलिस ने पार्टी को नोटिस भेजा। यूपी के मेरठ में पिछले दिनों घर में घुसकर जलाई गई एक लड़की की दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के समय मौत हो गई। IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला ने एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाने को लेकर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का शुक्रिया अदा किया। एशियाई खेलों के शॉटपुट में गोल्ड जीतने वाले एथलीट तजिंदर पाल सिंह के पिता का कैंसर की बीमारी से पंजाब के मोगा में निधन हो गया। दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप की 50 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में निशानेबाज ओम प्रकाश ने भी गोल्ड मेडल जीता। आर्थिक मदद को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के खाली खजाने का सच कुछ दिन पहले ही दुनिया के सामने आ गया था, लेकिन अब अमेरिका के एक ऐलान ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $30 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 2100 करोड़ की मदद रोक दी। हालांकि मदद रोकने का ऐलान इसी साल जनवरी में हुआ था, जिसे आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के लिए पाकिस्तान को हर साल करोड़ों डॉलर की मदद देता था, लेकिन ट्रंप के नए ऐलान से उसके होश उड़ गए। पाकिस्तान इस समय बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक डिफिकल्टी में है, उसकी दुर्दशा जो है और बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान को ट्रंप के फैसले का अंदेशा हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पहले ही चाल चल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से एक दिन पहले ही इमरान खान ने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने अमेरिका से 90 दिनों की मोहलत मांगी। मेरी सरकार को 3 महीने का वक्त दिया जाए, उससे पहले हमारे कामकाज पर उंगली न उठाई जाए। हम अमेरिका से सीधी टक्कर नहीं ले सकते। मेरी कोशिश दोनों मुल्कों के रिश्ते ठीक करने पर होगी। यानी अमेरिकी मदद के लिए इमरान खान घुटनों पर आ गए। इसके बावजूद जब ट्रंप का रुख नहीं बदला तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बौखला उठे। वो पैसा है जो पाकिस्तान ने अपने वसाइल से खर्च किया है और ये उन्होंने हमें रिइंबर्स करना था। हालांकि अमेरिका ने मदद रोकने के बाद भी पाकिस्तान को एक मौका और दिया। उसने इमरान खान से आतंकियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की, जो उनके लिए आसान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक मकान के अंदर कुछ महिलाएं रोने लगी। दावा किया जा रहा है कि उनके परिवार का एक लड़का आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई। जिसकी जानकारी मिलते ही उसके परिवार की महिलाएं रोने लगी। हारून के परिवार की महिलाओं ने रोते हुए हारून से आतंक का रास्ता छोड़कर वापस घर आने की अपील भी की। हम उनको यही कहेंगे कि उसको वापस भेजो। वहीं हारून के आतंकी संगठन में शामिल होने की खबर मिलते ही सुरक्षा बल उसके घर पहुंच गए और जांच में जुट गए। हारून के परिवार ने सुरक्षा बल से हारून को पकड़कर उन्हें सौंप देने की अपील की। जहां भी ये बच्चा है उसको बराए मेहरबानी करके वापस भेजें, क्योंकि हमारे घरेलू जो हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं, परेशान हैं सब। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डोडा का रहने वाला हारून अब्बास वानी MBA करने के बाद जम्मू की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो गायब था, जिसके बाद उसके आतंकी संगठन में शामिल होने की खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लगातार स्थानीय युवकों को बरगलाकर आतंकी बनाने की कोशिश में लगा है। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाके में सुरक्षा कर्मी कुछ महिलाओं को उनके घर में जबरदस्ती निकालने लगी। सुरक्षा बल ने अवैध घोषित हो चुके मकानों को गिराने के लिए वहां रहने वाले लोगों को ताकत का इस्तेमाल कर बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसराइल की अदालत ने फिलिस्तीन मूल के कुछ लोगों के मकान को गिराने का आदेश जारी किया था, लेकिन महिलाओं ने इसका विरोध किया। थोड़ी देर में बहुत से पुरुष भी इसराइल की इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे, इसीलिए उन्होंने विरोध करने वाले सभी लोगों को धक्का देकर मकान से दूर कर दिया। ज्यादा विरोध होने पर उन्होंने आंसू गैस के गोले भी दागे।
विरोध करने वालों को दूर करने के बाद सैनिकों की निगरानी में कुछ भारी मशीनों को वहां लाया गया। उन मशीनों की मदद से कुछ ही देर में मकान को ढा दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान भी सुरक्षा बल बीच बीच में गोली चलाते रहे ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी उनके काम में बाधा न डाल सके।